सुलभ आर्य एक अनुभवी हिंदी और मराठी टेलीविजन और मंच अभिनेत्री है जो हेरा फेरी और कल हो ना हो फिल्मों में अपनी भूमिका के लिए जानी जाती है। सुलभा आर्य का जन्म 15 जुलाई 1950 को मुंबई महाराष्ट्र में हुआ था। उनकी राशि कर्क है। सुलभा का जन्म एक मराठी परिवार में हुआ था और उनकी शादी एक मुस्लिम सिनेमाटोग्राफर स्वर्गीय ईशान आर्य से हुई थी। उनके दो बेटे हैं, समीर आर्य जो एक सिनेमाटोग्राफर है और सागर आर्य जो एक अभिनेता है। उनकी शादी एक अभिनेत्री अन्वेषा भट्टाचार्य से हुई है। वह सबना आजमी की भाभी है। उन्होंने अपने अभियान करियर की शुरुआत थिएटर से की और दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाले सिटकॉम या जियो है जिंदगी से अपनी शुरुआत की। उन्होंने यश बॉस, हिप हिप हूरे, मैं मायके चली जाऊँ की ससुराल, गेंदा फूल, बेगूसराय और कई अन्य टीवी सितारे में भूमिका निभाई है। वो 2003 की ड्रामा फिल्म कल हो ना हो में कांताबेन की भूमिका के लिए प्रसिद्ध है। उन्हें आखिरी बार फिल्म सिम्बा में देखा गया था। वर्ष 1997 में फिल्म मासूम के लिए सर्वश्रेष्ठ हास्य अभिनेता का स्क्रीन पुरस्कार मिला है। सुलभा मुंबई इंडियन पीपुल्स थिएटर एसोसिएशन की अध्यक्ष है। सुलभा आर्य ने एविचुअल कॉलेज अंधेरी मुंबई में 20 से 25 वर्षों तक और मनोविज्ञान में पढ़ाया है। सुलभा ने ईशान आर्य से आर्य समाज मंदिर में शादी की है। उन्होंने हल्ला बोल और चमकू समेत कई अन्य लोकप्रिय फिल्मों में भी काम किया है। सुलभा आर्य और फारूक शेख सबसे अच्छे दोस्त थे। जब भी वे किसी फिल्म काना परियोजना में एक साथ होते थे तो वे एक दूसरे पर अपना जनक शब्द बोलते थे। TEOI के साथ एक इंटरव्यू में उन्होंने एक बार यह तक कहा था कि उन्हें लगता है कि फारूक शेख उनके दूसरे पति थे। सबना आजमी ने एक बार एक सस्ता कार में कहा था कि उन्होंने चौक एंड डस्टकर में एक शिक्षक की भूमिका को अपनी प्रिय भाभी सुलभा आर्य के चरित्र पर आधारित किया था। उनका उमंग जैन के साथ एक अनोखा रिश्ता है जिन्होंने खटमल इश्क में सुलभा की पोती की भूमिका निभाई थी। उमंग ने एक बार कहा था कि वह सुलभा की तरह खूबसूरत और आकर्षक बनना चाहती है।